हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए उदाहरण नंबर 22 देखिए। क्लास 9th में हमारा बहुपद चल रहा है, तो आज हम उदाहरण नंबर 22 करेंगे। इसके पहले के सभी उदाहरणों को हमने पिछले वीडियो में किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा है 3a + 4b होल क्यूब, इसको प्रसारित करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, बीच में प्लस है, तो पहला पद और दूसरा पद बीच में प्लस है, होल क्यूब है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, यही तो होगा। तो अब देखिए इससे कंपेयर करिए, ब्रैकेट ब्रैकेट मिल रहा है, 3a है, यहाँ x है, तो x की जगह पे 3a लिखना पड़ेगा, प्लस की जगह प्लस, ठीक है, y की जगह पे 4b लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट क्लोज है, होल क्यूब, तो होल क्यूब है, तो बिल्कुल इसी की तरह यहाँ भी एक्सपेंड होगा ये। इसलिए 3a + 4b दिस होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब, दैट इज x क्यूब का मतलब a क्यूब, मतलब 3a का होल क्यूब, प्लस वाई क्यूब, वाई की जगह क्या लिखना है 4b, तो 4b का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, है ना, ab की जगह हमको 3a लिखना है, b की जगह पे 4b लिखना है, ठीक है ना, 3xy की जगह ये लिखना है, और ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई, मतलब यही वाला 3a + 4b। आगे देखिए ये होगा 3a + 4b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब का मतलब 3a × 3a + 4b × 4b × 4b प्लस 3 × 9 9 = 36ab, ठीक है, 3 × 9 9 = 36ab, ब्रैकेट में 3a + 4b, ठीक है। आगे देखिए 3a + 4b दिस होल क्यूब इक्वल टू 3 × 9 9 = 27a का क्यूब, क्योंकि ये 3 बार है, प्लस 4 × 16 16 × 64, ठीक है ना, बी बी 3 टाइम्स है तो बी क्यूब हो जाएगा, प्लस अब 36ab है तो इसका 3a में भी मल्टीप्लाई होगा और 36ab का 4 में भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों में, इसका इसमें भी होगा, इसका इसमें भी होगा, तो आप लिखेंगे 36ab × 3a प्लस 36ab × 4b। आगे क्या होगा, ये 3a + 4b आपको तो लिखना ही है, दिस होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 27a का क्यूब प्लस 64b का क्यूब प्लस, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए, तो 3 का 6 में 3 × 6 = 18 + 8 = 1, और 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 108, a दो बार हो गया इसलिए a²b, प्लस यहाँ देखिए 4 × 6 = 24 का 4 = 2, है ना, 4 × 6 = 24 4 = 2, 4 × 3 = 12 2 = 14, ठीक है ना, और a एक ही है और b 2 है, तो इसलिए b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको करना था कि हमारा पूरा एक्सपेंड हो जाए और हमारा आंसर आ जाए, तो अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया और पूरा आंसर आपका आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, ओके। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो है 5p − 3q³। तो इसमें अब बीच में माइनस है, दो टर्म है, होल क्यूब लगाए थे, इसका मतलब x − y³ का फार्मूला लगेगा, x की जगह पे 5p लिखना है और y की जगह पे 3q, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल यही फार्मूला लग जाएगा, तो इसी के नीचे हम जस्ट लिख लेते हैं 5p − 3q दिस होल क्यूब इक्वल टू, अब एक्स था, एक्स क्यूब है, तो यहाँ 5p है, तो आप 5p का होल क्यूब लिखेंगे, माइनस वाई क्यूब, यहाँ वाई था, तो यहाँ 3q है, तो आप 3q लिखेंगे, इसका होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 की जगह 3 लिखना है, फिर इंटू एक्स, एक्स का मतलब पहला वाला 5p, फिर इंटू वाई, वाई का मतलब सेकेंड 3q, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट में x − y, मतलब यही पहला पद माइनस दूसरा पद, 5p − 3q, ठीक है। अब ये है 5p − 3q दिस होल क्यूब इक्वल, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, 5p × 5p × 5p माइनस 3q × 3q ×
थ्री क्यूब, क्योंकि क्यूब लगाए तो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस तीन पचे पंद्रह, पंद्रह तिया पैंतालीस पी एंड क्यू, अब ब्रैकेट में फाइव पी माइनस थ्री क्यू, ठीक है, फिर होगा फाइव पी माइनस थ्री क्यू दिस होल क्यूब इक्वल टू पाँच पच्चे पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस, पी थ्री टाइम्स है पी का क्यूब, माइनस तीन तिया नौ तिया सत्ताईस, क्यू भी तीन बार है तो क्यू का क्यूब माइनस, अब होगा फोर्टी फाइव पी क्यू इंटू पाँच पी, ठीक है, और फिर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये गलती हो जाती है, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ आपका प्लस आएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सभी माइनस हो जाएंगे, प्लस में सभी प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, प्लस वाले में तो सभी प्लस रहेंगे जो पहले इसके हमने क्वेश्चन किया, लेकिन माइनस वाले में क्या होगा कि यहाँ यहाँ माइनस रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फोर्टी फाइव पी क्यू इंटू क्या होगा थ्री क्यू, ठीक है, आप देखिए फाइव पी माइनस थ्री क्यू दिस होल क्यूब इक्वल टू वन टू फाइव पी का क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन क्यू का क्यूब माइनस, अब यहाँ फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पाँच पच्चे पच्चीस, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव का फाइव कैरी टू पाँच को बीस दो बाईस, दो सौ पच्चीस पी, पी दो बार है इसलिए पी स्क्वायर होगा एंड क्यू होगा, ठीक है, प्लस, अब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आएगा, थ्री फाइव जा फिफ्टीन का फाइव कैरी वन, थ्री फोर जा ट्वेल्व और वन थर्टीन, ठीक है ना, तीन पच्चे पंद्रह पाँच एक तीन चौक बारह एक तेरह, एक सौ पैंतीस पी एंड क्यू टू टाइम्स है यहाँ यहाँ तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे तो यहीं आपका आंसर हो जाएगा, यहीं इसका प्रसार हो जाएगा, ठीक है ना, तो इस तरह से इसको प्रसारित करना है, उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे, ओके। आइए बच्चों अगला हम उदाहरण नंबर 23 देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है कि उपयुक्त सर्वसमकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जो इसमें सुटेबल कोई आइडेंटिटी है उसको लगाना है, उस सर्वसमका को लगाना है, उस सूत्र को लगाना है और इनके मान निकालने हैं, हम चाहें तो 104 का होल क्यूब है तो इसका मतलब 104 फिर गुणा 104 फिर जो है उसमें भी 104 गुणा कर दें आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे सर्वसमका का प्रयोग करना है, सूत्र का प्रयोग करके हल करना है, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे वो देखिए पहला पार्ट, तो पहले को देखिए करते हैं हल, ये लिखा है 104 का होल क्यूब, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आसानी से 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसका होल क्यूब, और 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, इसलिए आप इसको 102 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब 100 प्लस 102 लिखेंगे तो उसका गुणा करने में थोड़ा हमें कठिनाई होगी, लेकिन 100 का जब गुणा करना हो 100 का क्यूब होगा, क्योंकि इसमें हम ए प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे तो 100 का क्यूब होगा, तो 100 का गुणा 100 गुणा 100 करने में हमें आसानी होगी, तो हमें कोशिश ये करना है कि जीरो वाली संख्या ज़्यादा बने, ठीक है ना, जैसे 100 है तो ये किसके पास है, 100 104 है तो यानी 100 प्लस 4 यानी 100 के पास है, ठीक है ना, तो 100 प्लस 4 होल क्यूब लिखता है, अब ये इसमें सूत्र क्या लगेगा, इतने में सूत्र x प्लस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक ना, सी, इससे हम देखते हैं कैसे हल करते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100 प्लस 4 होल क्यूब बराबर 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए का मतलब 100 बी का मतलब 4 बी का मतलब 4 और ब्रैकेट में 100 प्लस 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 104 का होल क्यूब बराबर 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100 तीन बार, 4 क्यूब का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 3 और 4 का गुणा 12, तीन चौके 12, 12 का एक में 12 का है 12, दो जीरो है तो आप दो जीरो लगा देंगे 1200 आ जाएगा, इधर 100 प्लस 4, ठीक है, अब यह है 104 का होल क्यूब बराबर, अब इसका इकाई एक इकाई एक ही रहेगा, अब आप दो दो चार दो छः जीरो तो एक दो तीन चार पाँच छः जीरो लगा दीजिए, प्लस चार चौक 16, 16 चौके 64, अब प्लस, अब देखिए इसका इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, ठीक है ना, तो 12 का एक में 12 आप पहले लिख लीजिए, 1200 गुणा 100 प्लस 1200 गुणा 4, अब एक के बाद एक दो तीन चार पाँच छः प्लस 64 प्लस 12 का
12 और फिर 2 2 4 0 1 2 3 4 प्लस 12 चौक 48 फिर 2 0 ठीक है ना, ये 0 है। अब इतना आ गया, अब इसमें क्या करना है कि सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे देखिए, यहाँ से एक डिजिट लिया 0 0 4 0 तो सब जगह 0 है, 4 है तो क्या आ गया, 4 आ गया ठीक है। दूसरी डिजिट 0 0 0 6 तो 0 में 6 6 हुआ, 6 में 0 तो 6 आ गया ठीक है। अब देखिए तीसरी डिजिट 8 और यहाँ 0 8 ही रह गया और यहाँ तो 8 ही आ गया ठीक है। अगला देखिए चौथी डिजिट 4 और यहाँ पे 0 तो 4 ही रह गया और यहाँ पे तो 4 ही रह गया ठीक है। अब ये हो गया, अब देखिए 4 के बाद पाँचवीं डिजिट, वहाँ तो 4 ख़त्म, पाँचवीं यहाँ है तो 2 2 और 0 तो 2 ही रहेगा। फिर छठवीं डिजिट देखिए 1 और 0 तो 1 ही रहेगा और ये 1 का 1 रहेगा, तो यानी 104 का होल क्यूब बराबर 11 2 4 8 6 4 कितना, 11 24 86 4 ठीक है ना। यही आपका आंसर आ जाएगा सरसमका का प्रयोग करने से ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 10,00,000, 11,24,864 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था ठीक है। अब सेकंड पार्ट आइए देखते कैसे करते हैं। आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, 999 का होल क्यूब ठीक है ना, इसका हमें मान निकालना है। तो आप इसको, अब 999 को हम 900 प्लस 99 लिख करके नहीं करेंगे क्योंकि कठिन हो जाएगा, तो सीधे 999 किसके पास है, 1000 के पास है, तो आप इसे 1000 माइनस 1 लिखेंगे और इसका भी होल क्यूब लगा देंगे। और सूत्र कौन सा लग जाएगा, x माइनस वाई, क्योंकि दो पद है बीच में माइनस है तो x माइनस वाई होल क्यूब लगेगा। अब x क्यूब का मतलब 1000 का क्यूब ठीक है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब का मतलब 1 का क्यूब माइनस 3, a की जगह पे 1000 और b की जगह पे 1, ब्रैकेट में x माइनस वाई मतलब 1000 माइनस 1 ठीक है। अब देखिए 1000 का क्यूब का मतलब आपको पता है, 1000 इंटू 1000 फिर माइनस 1 का क्यूब का मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 तीन बार माइनस, अब 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3 ठीक है ना, 3 0 लगा दीजिए, 3000 इकाई 3000 भाई 3 इकाई 1 में करेंगे 3000 3000 इकाई 3000 अब ब्रैकेट में 1000 माइनस 1। अब देखिए 1 यहाँ है, 3 3 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगा दिया, माइनस 1 का 1 का 1 एक ही रहेगा, फिर माइनस देखिए अब इसका इसमें गुणा होगा तो 3 के बाद 3 0 3000 गुणा 1000 और फिर ये प्लस होगा। मैंने बताया था कि माइनस जब भी आए तो यहाँ ध्यान देना है, ये प्लस हो जाएगा और 3000 गुणा 1 होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है। अब 1 के बाद कितने, 3 3 6 3 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -, अब 3 इकाई 3 3 3 6 0 तो 1 2 3 4 5 6 फिर प्लस 3 इकाई 3 और 3 0 1 2 3 ठीक है। अब आप देखिए कि इसके पहले प्लस है तो ये पॉजिटिव हो गया और इसके पहले कुछ नहीं तो ये भी क्या है, पॉजिटिव हो गया, तो ये दोनों तो प्लस हैं तो इसलिए ये दोनों जुड़ेंगे। अब ये देखिए 3 0 हैं, यहाँ भी 3 0 हैं तो 3 0 में 3 0 जोड़ेंगे तो 1 2 3 0 तो हो ही जाएगा। चौथे स्थान पे 3 है तो 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा ठीक है। 3000 यहाँ पे 4 प्लेस ये हैं, 4 प्लेस में जुड़ के इतना आ जाएंगे, इकाई से जुड़ेंगे, बाकी 2 2 3 2 5 0 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 0 और 1, ये तो आप इतना जोड़ लिए इन दोनों को। अब ये और ये जुड़ेगा तो ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 3 तो रहेगा ही, इतना जुड़ गया है ना, और माइनस का साइन और लगेगा भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,00,000, 30,00,000, 1 है ना, तो ये जुड़ गया। अब इनको आपको घटाना है, देखिए इसमें से इसको घटाना है तो घटेगा है नहीं, तो यहाँ इससे क्या होगा, कर्ज लेगा, तो ये इसको देगा तो यहाँ 10 होगा ठीक है, और ये इसको देगा तो यहाँ 9, यहाँ 10 होगा, फिर ये इसको दे देगा यहाँ 10, यहाँ 9 होगा, तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया
नौ, ठीक। यहाँ क्या बचा, नौ, तो नौ में से जीरो गया, नौ ही रहेगा। फिर यहाँ बचा नौ, नौ में से जीरो गया, नौ ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, दो, क्योंकि एक कर्ज दिया था, तो दो, दो में से जीरो गया, दो ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जीरो है, तो जीरो में से फिर जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। फिर जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो में से तीन माइनस नहीं होगा, फिर ये कर्ज लेगा तो यहाँ दस हो जाएगा, यहाँ दस होगा, ये तो दस ही है, ये इसको देगा तो यहाँ दस होगा, यहाँ नौ होगा, फिर ये इसको देगा तो यहाँ दस हो जाएगा, यहाँ नौ हो जाएगा, तो दस में से तीन गए सात, यहाँ दस में से तीन गए यहाँ हो गया, ठीक है। दस में से तीन गए सात, यहाँ क्या बचा, नौ, और यहाँ भी क्या बचा, नौ। तो आपका कितना आ गया, निन्यानवे, सात सौ, फिर उनतीस, निन्यानवे, ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपको लिखना ही है, एक हज़ार माइनस वन का होल क्यूब, एक हज़ार माइनस वन का होल क्यूब, एक हज़ार माइनस वन का होल क्यूब, यहाँ भी एक हज़ार माइनस वन का होल क्यूब, हर लाइन में लिखते आना है, एक हज़ार माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एक हज़ार माइनस वन का मतलब नौ सौ निन्यानवे का होल क्यूब बराबर नाइन नाइन सेवन डबल जीरो टू ट्रिपल नाइन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, ठीक है। ऐसे निन्यानवे करोड़ सत्तर लाख दो हज़ार नौ सौ निन्यानवे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको एक्सपेंड करके करना था, सूत्र का प्रयोग करके करना था, ओके। आइए बच्चों अगला उदाहरण नंबर 24 देखिए। उदाहरण नंबर 24 में लिखा है कि 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy का स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो क्यूब देखने से पता चल रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन सकता है, हम उसी की कोशिश करेंगे। लिखेंगे 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54x स्क्वायर। 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दुनी 4 दुनी 8, x का क्यूब वही रहेगा। 27 को लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 और y का क्यूब, ठीक है। 36 को लिखेंगे 2 दुनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर और y का y। 54 को आप लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 दुनी 54, ठीक है ना। और x और y पे 2 है तो y पे 2, सेम लिख दिया। अब ये 2 तीन बार है तो 2 पे 3 घात हो जाएगा, x पे भी 3 घात हो जाएगा, 3 तीन बार है इसलिए 3 पे 3 घात और y पे भी 3 घात। और यहाँ पे 2 गुणा ये 2 और फिर 3 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 और x दोनों पे 2 है, तो यानी 2x का होल क्यूब बन रहा है, तो यानी 2x हमारा a होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x स्क्वायर है ना, ये ले लिया इसके साथ में, और फिर 3y एक साथ कर लिया है ना, तो इसलिए कर लिया कि ये दोनों मिलके 2 स्क्वायर हो जाएंगे, इसकी जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये x स्क्वायर पहले से है, तो 3 का 3 हो गया और 2 पे स्क्वायर x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3y एक साथ लेके 3y हो जाएगा, तो हमारा 3ab बन जाएगा, प्लस यहाँ से 3 लिया ये वाला, ठीक है ना। और 3 इंटू 3 है, ये 2 और x एक साथ लेकर के 2x कर लिया, और ये 3 3 दो बार है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसी की तरह से जैसे 2 2 था तो ऐसे इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर y स्क्वायर, तो 3y का पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका देख रहे हैं कि 2x का होल स्क्वायर बन गया, ये 3y का नहीं, 2x का होल क्यूब बन गया और 3y का होल क्यूब बन गया, और 3 और यहाँ पे बन गया a की जगह 2x, b की जगह पे 3y, तो 2x का स्क्वायर 3a स्क्वायर b हो गया, प्लस 3a और b स्क्वायर बन गया। तो ये फार्मूला बन गया कौन सा, ये फार्मूला बन गया कि x प्लस y होल क्यूब इक्वल होता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है ना, यही होता है। लेकिन इसको आप ऐसे एक्सपेंड कर देंगे तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस ये 3xy जब इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर y हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर y, इसमें जब गुणा होगा तो y का स्क्वायर होगा ना, 3x और y y y स्क्वायर, तो 3xy स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूप आपका आ गया है यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, ये बन जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर होल क्यूब है ना, a क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर का फॉर्म ये आ गया। तो हमने लिखा ए की जगह 2x था तो 2x, बी की जगह 3y था तो 3y, तो 2x प्लस 3y का होल क्यूब कर लिया और इसी को 3y लिखा, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था, ओके।
आइए बच्चों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 25 देखते हैं। ये है 8x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27z का क्यूब माइनस 18xyz का गुणनखंड कीजिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 8x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27z का क्यूब माइनस 18xyz। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, समझ गए होंगे आप, क्योंकि 2×2×2 तीन बार लिखा जाएगा, इसका मैंने सीधे कर दिया। y को आप y का होल क्यूब लिख सकते हैं। 27 को क्या लिखेंगे, 3×3×9=27, तो 3 3 बार गुणा करेंगे, तो इसलिए 3z का होल क्यूब लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 3×3×9=27 आ जाएगा, ठीक है। और 18 को ऐसे लिखना है 3, तो पहले 3 लिखेंगे, फिर x मतलब पहला पद, तो पहला पद 2x है, तो आप यहाँ से 2x लिखेंगे, फिर y इसका मतलब दूसरा पद y ही है, तो आप y लिखेंगे, और फिर तीसरा पद z, तो z की जगह 3z है, तो आप 3z लिखेंगे, और देखेंगे क्या ये आ रहा है 18, 3×2=6, 6×3=18 आ गया, x आई है, yz है वहीं, तो ये ऊपर वाली पूरी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने के बाद आपका रूप बन जाएगा x³ + y³ + z³ - 3xyz। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए पहले ब्रैकेट में x + y + z जो एक्स वाई जेड की जगह वो लिख दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में x² तो यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना लूँ या कर्ली बना लेता हूँ, ठीक है ना, x² x का मतलब 2x² ठीक है ना, x² + y² मतलब y² + z² जेड का मतलब 3z² ठीक है, फिर -xy का मतलब पहला दूसरा यानी 2x × y, फिर -yz ये और ये, तो y × 3z, फिर -zx जेड और x का मतलब 3z × 2x, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये होगा 2x + y + 3z, ठीक है, और इधर क्या आ गया, 2×4x² + y² + 3×9z² - 2xy - 3yz - 6zx, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो गुणनखंड हुआ वो हो गया 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz = पहले ब्रैकेट में 2x + y + 3z और दूसरे ब्रैकेट में 4x² + y² + 9z² - 2xy - 3yz - 6zx, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इस तरह से आपको गुणनखंड करना था, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट में क्या आ गया 2x + y + 3z और दूसरे में क्या आ गया 4x² + y² + 9z² - 2xy - 3yz - 6zx, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, दिए गए सवाल का गुणनखंड हो गया। तो उम्मीद है आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन जो किए उदाहरण 25 तक पूरा हो गया, अब अगली एक्सरसाइज शुरू होगी, उसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गुरुदक्षिणा के रूप में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर रखिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू।